हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम तेजस्वी शंकर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने पेटिशन दिया था दिल्ली हाई कोर्ट को ऑन मंडे, दैट इज 20 जून, बिकॉज वो सिलेक्ट नहीं हुए थे कॉमनवेल्थ गेम के स्क्वाड में फ्रॉम इंडियन टीम, और उन्होंने पहले से ही क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड अचीव कर लिया था एट द NCAA आउटडोर चैम्पियनशिप। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, मैंने जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि AFI ने 16 जून को अनाउंस किया अपना 37 मेंबर का एथलेटिक स्क्वाड, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंगम के लिए जा रही है फ्रॉम 28 जुलाई, जो कि लेट करेंगे नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड्स, उस टीम में तेजस्वी शंकर नहीं थे, ऑल्सो ही हैड क्वालिफाइड द कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऑफ 2.27 मीटर जंप एट द NCAA आउटडोर एथलेटिक चैम्पियनशिप मीट। तो फ्रेंड्स, इसलिए उन्होंने मंडे को ऑन 20 जून को पेटिशन दिया था ऑन दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजस्वी शंकर का पेटिशन लिया और उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को कंसीडर करना चाहिए तेजस्वी शंकर को ऑन मेरिट, बिकॉज वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है और उन्होंने ये मीट क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी अचीव किया है। दिल्ली हाई कोर्ट बोलती है कि ये एक इंटरस्टेट चैम्पियनशिप में वो पार्ट नहीं लिया, ये एक सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जिसे उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के स्क्वाड में ना रखा जाए, बिकॉज तेजस्वी शंकर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है और एक मेडल प्रोस्पेक्ट है, और ईगो ये सब बीच में नहीं आना चाहिए, पार्शियलिटी ये भी नहीं आना चाहिए सिलेक्शन के बीच में। हाई कोर्ट के जो जस्टिस है जस्टिस जसमीत सिंह, उन्होंने नोटिस इशू किया एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI को, देन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड सिलेक्शन कमिटी ऑफ द AFI फॉर सीनियर कैटेगरी इन द पिटीशन। और फ्रेंड्स, जानते हैं आज उनका रिप्लाई आने वाला है, मतलब AFI का, बिकॉज आज फ्राइडे है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से फ्राइडे तक का टाइम दिया था कि आप रिप्लाई करें इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जानते हैं अभी रिप्लाई क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उसके लिए एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन गाइज, ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो ब्लू CWG 2022 लिखा है वो कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, देन ऑरेंज में लिखा है वो एशियन गेम्स का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड से, आप साफ साफ सब गेम्स का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देख सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन पुट थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल कमिंग विद दिस more amazing sports updates on Run Till Death. So guys, keep watching Run Till Death as always.